तोपचाची प्रखंड अंतर्गत मदईडी स्थित टेकलाल महतो स्टेडियम में आज सु पार्टी द्वारा लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा के ग्राम स्तरीय हजारों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी वर्तमान समय में लोकसभा व विधानसभा दोनों ही चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने जेएमएम पर प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत रूप से कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्पर्धा जरूर है। जेएमएम पार्टी के शब्द कोश में विकास नामक शब्द नहीं है। जेएमएम को राज्य चलाने का कई अवसर मिला, परंतु विकास से राज्य दूर रहा। राज्य में नीति नया भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है। नौकरियों को 25-25 लाख रुपया में बेच दिया जा रहा है। राज्य सरकार पत्थर बालू और कोयला लूटने में व्यस्त है। राज्य की वर्तमान सरकार जहां भ्रष्टाचार की किताबों को लिख रही है, वहीं हम लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मिलकर विकास की किताब को लिख रहे हैं। झारखंड राज्य में अधिकारियों के रेट तय कर दिया जाता है, तभी तो तैनात अधिकारी वसूली में व्यस्त रहते हैं। किसी भी संसदीय क्षेत्र में ये पहली बार होगी जब उस क्षेत्र की संसद के द्वारा किए गए विकास कार्यों को सूचीबद्ध करके जनता के बीच रखा जाएगा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रस्तुत किया विकास का रिपोर्ट कार्ड। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को विकास कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य में जो रेंगने वाली सड़कें थी, वह 2 लेन या 4 लेन में बदल गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुछ योजनाओं को पूरा करने में बाधा डाल रही है। पीएम आवास, जल नल योजना सहित कई योजनाओं को तरह तरह के हथकंडे अपना कर बाधित कर रखा है। मौके पर विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय महासचिव, केंद्रीय सचिव, उमाकांत, हमारे ग्राम प्रभारी, हमारे महिला माता बहनों, सबका बंधु, सभी को अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। स्तर के पदाधिकारी, हर गांव के लिए हम लोग ने एक पिलर मेंबर बनाया। पिलर मेंबर सम्मेलन था और इस पिलर सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों को इस राज्य और देश के कंसेप्ट में जो हमारा एनडीए चुनाव लड़ेगा, उसमें खुद को तैयार रहने और देश की उपलब्धियों को लेकर गांव के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का आग्रह किया और ऐतिहासिक जीत की ओर इस राज्य के सभी, खासकर आज चूंकि गिरिडीह में है तो गिरिडीह से लेकर राज्य के सभी हमारे लोकसभा में एक बड़ी जीत की तैयारी करनी है। जो गारंटी प्रोग्राम है, उस गारंटी प्रोग्राम को मजबूती देना है। अभी ईडी की भी दबिश चल रही है, हेमंत सोरेन जेल में है, तो क्या वो भुनाने की कोशिश करेगा आपके विरोध में, या फिर उसका फायदा आपको मिलेगा? देखो, जैसा कर्म रहेगा वो कर्म के आधार पर सारी चीजें बनती है। मैंने कभी भी मैं पहले भी बोला कि मैं बेसिक हमारी जो राजनीतिक स्पर्धा हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से कोई स्पर्धा है नहीं। विचारों का अंतर है। राज्य को चलाने का मौका उन्हें कई अवसर मिले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में राज्य चलाने का, लोगों को विकास का, इस तरह का कोई विकास जैसे शब्द का वो शब्दकोश में ही नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो इसलिए विकास से जो लोग नाता रखते हैं, जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, वो कभी भी उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अभी मोदी ने एक रूप का इक्का डाला है, सीए लागू किया है, इसका फायदा कितना दिखेगा झारखंड में? नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो पड़ोसी राज्यों में, जो हमारा चूंकि भारत का तब तो एक बड़ा क्षेत्र था भारत का, जो जब अलग हुए, अलग होने के बाद हमारे कुछ लोग वहाँ छूट गए और वो उस देश के अल्पसंख्यक रूप में है, और कहीं ना कहीं उन्हें उससे अल्पसंख्यक होने का और धार्मिक अंतर होने का कहीं ना कहीं नुकसान काफी होता है, क्षतियाँ काफी हो रही है, उनके साथ अत्याचार काफी हो रहा है। तो ऐसे लोगों ने भारत सरकार से अपील की थी उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था का, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, एक अच्छी पहल है। एक सवाल और है, क्या आजसू सुप्रीमो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे एनडीए के, जब चुनाव लोकसभा का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है? देखो, मैं दायित्व बनता हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन नहीं सकता। मैं झारखंडी ब्रांड ही ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे इस राज्य के लिए लड़ने का, इस राज्य के शासन व्यवस्था में सहयोगी के रूप में काम करने का और एक पार्टी चलाने का, ये तीनों अनुभव साथ में चला है। मैंने पूरे प्रदेश में अकेले भी चुनाव गए, मैं साथ भी चुनाव गया। अब ये सारे अनुभवों को साथ में लेकर आने वाले समय, ये 24 प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा और उसके बाद तुरंत से हमारा विधानसभा, तो ये दोनों के लिए पार्टी तैयार है और पार्टी के लोगों को गांव-गांव तक जगाने की तैयारी चल रही है और उनसे कनेक्ट करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था, एक सपनों का झारखंड, जिस उद्देश्य से इस राज्य का लड़ाई हुआ, जो उद्देश्य से इस राज्य को आगे ले जाने के जो सपने भी गढ़े गए हैं, जिसने भी देखा है, बिल्कुल उसे साकार करने की तैयारी करेंगे। आज इस स्टेडियम में आशु सुप्रीमो जी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्या कहेंगे आप?
आज हमारे सफल हुआ। हमारे गांव गांव से ग्राम प्रभारी लोग जो पार्टी के हैं वो आए और यहाँ पे सुदेश जी का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के लिए गाँव में जाकर के बताएंगे और हमारी 5 साल को उपलब्धि जो है वो गांव में ले जाकर के बताएंगे कि हमारे 5 साल उपलब्धि हम लोग का हुआ, लोगों ने क्या क्या किया पूरे क्षेत्र में। हम आगामी इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? आगामी इस चुनाव में हमारा क्षेत्र पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सब उत्साहित है। निश्चित रूप से आने वाला दिन 5 लाख वोट से रेडी लोकसभा चुनाव। आपका परिचय? गिरधारी महोदय।